हे दोस्तों, मैं हूं दक्षिण। आप देख रहे हैं दक्षिण वर्कआउट आइडियाज। दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग तरीके से फ्री वेट बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही चीप कॉस्ट में आप घर में खुद बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। दोस्तों, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम वेट का जो मोल्ड बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर है वो 3 इंच का है। 3 इंच डायमीटर का आपको पीवीसी पाइप लेना है। अब आपको क्या करना है, इसके 7 इंच पे आग लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं 7 इंच पे आग लगाऊंगा। आपको 7 इंच ही लेना है, ठीक है। फिर इसको यहाँ से इतना पीस इसका कट कर लेना है। दोस्तों, पाइप हमने कट कर लिया है 7 इंच पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। 3 इंच का डायमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 7 इंच पे आपको कट करना है। उसके बाद आपको जीआई का सॉकेट लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 3x4 इंच का डायमीटर है। उसके बाद आपको क्या करना है, बोल्ट लेने हैं। हमने एक बोल्ट को कट करा है, आप 2 बोल्ट ले सकते हैं छोटे, जो इसके ऊपर हम वेल्ड करेंगे। इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, जिससे ये इसका रिंग का काम करेगा। और जीआई पाइप को भी आप इसके अंदर लगा भी सकते हैं, फिर इसको निकाल भी सकते हैं। जीआई के सॉकेट पे मैंने बोल्ट को वेल्ड कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम पीवीसी पाइप के अंदर कंक्रीट का मिक्सचर डालेंगे, कंक्रीट का मिक्सचर बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बदरपुर है, रेता है, थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट लिया है और ग्रे सीमेंट लिया है। इन चारों का हम मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर हमने बना दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसको पाइप के अंदर डाल दूंगा सारा का सारा। हमने 2 बना लिए हैं फ्री वेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने पाइप के अंदर कंक्रीट के मिक्सचर को अटैच कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने सॉकेट के ऊपर जो बोल्ट वेल्ड करे हैं, हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके एकदम बीच में डालेंगे और इतना डालेंगे कि खाली इसकी रिंग्स रह जाए, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी हम इसको इसके अंदर ऐसे छोड़ देंगे और इसके अंदर फिक्स होने देंगे इसको, ठीक है। दूसरे में भी हम यही करेंगे। मिक्सचर के अंदर अटैच कर लिए हम इसको, इसके अंदर फिक्स होने देंगे। पेट सूख गया है और जीआई के जो सॉकेट है वो इसके अंदर फिक्स हो गए हैं। करीब करीब 12 घंटे हमने इसको ऐसे ही छोड़ा था। ये 2 आप देख सकते हैं, कल हमने बनाए थे और 2 हमने पहले से ही बना के रखे थे। इन हर एक का वेट जो है वो दोस्तों वो 2 kg का है। अगर आपको वेट बढ़ाना है, वेट एक्सटेंड करना है, 5 kg, 10 kg, जितना भी आपको करना है, तो आप इसका डायमीटर बढ़ाएंगे, ठीक है। 3 डायमीटर का है ये 3 इंची डायमीटर है। आप इसका डायमीटर 5 इंची कर सकते हैं अगर आपको वेट बढ़ाना है, बजाय इसकी हाइट को बढ़ाने के। हाइट आप इसकी नहीं बढ़ाएंगे, आप इसका डायमीटर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 4 हमने बना लिए हैं। अब हम जीआई पाइप लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। जीआई पाइप है 6 इंचेस का, सेम डायमीटर का, 3x4 इंचेस। अब मैं इसके अंदर अटैच कर दूंगा इसे। हमने अटैच कर लिया है, अब मैं दूसरी तरफ से इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे अटैच कर दूंगा तो ये ऐसा डंबल वर्क करने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये डंबल बन गए हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे में भी यही करूंगा। को हमने डंबल्स की तरह अटैच कर दिया है और हम इसका यूज करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, और भी कई सारी एक्सरसाइजेस हैं जो डंबल से की जाती हैं, वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस आप इसे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम मल्टी वर्कआउट जो हैंडल है हमारे पास, इसकी वीडियो हमने बनाई है दोस्तों कि इसको कैसे बनाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे ऊपर से। इसमें भी सॉकेट लगा हुआ है, क्योंकि ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज अ कैटलबेल आपके लिए वर्क करेगी।
बड़े जीआई पाइप के साथ प्री वेट को अटैच कर दिया है। आपको अगर इसको बढ़ाना है, अगर आपको इसका वेट बढ़ाना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसका डायमीटर बढ़ा देंगे तो वेट को बढ़ाया जा सकता है। अब ये बारबेल की तरह काम कर सकता है जीआई पाइप, आप आसानी से इसे बारबेल कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्द मुलाकात होगी एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।